हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बित रहे हैं। समय सार बंदाधिकार की चर्चा आरंभ करनी है। समय सार भेद विज्ञान का शास्त्र है। जीवाधिकार में मैं 29 प्रकार के जो प्रभाव हैं, जिन्हें हम रागादि और वर्णादि के भेद से दो प्रकार कहते हैं, उन 29 प्रकार के भावों का ना ये भाव मैं हूँ और ना मैं उनका स्वामी, इतनी बात समझाई। फिर कर्ता कर्म अधिकार में ये समझाया कि उन वर्णादि और रागादि का ना मैं करता हूँ और ना मैं भोगता। फिर कहते कि ठीक है, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, लेकिन हैं तो अच्छे पुण्य भाव। इस तरह वो कहते हैं कि जिनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, एकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, उनमें अच्छे बुरे का भेद करने का क्या लाभ है? ये बात तुम क्यों कह रहे हैं कि हैं तो अच्छे, पर जिनका हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो उनके साथ अच्छे बुरे की कल्पना करना ये मुफ्त के राग द्वेष की उत्पादक है। इसलिए उनमें अच्छे बुरे का भेद करना इस अज्ञान को दूर करने के लिए पुण्य पाप अधिकार लिखा। ये आपकी बात समझ में नहीं आई होगी, मैं थोड़ा उदाहरण देके समझाता हूँ। उदाहरण में गंभीरता बनी रहे इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपने पोते के लिए एक सुंदर लड़की चाहिए, आपके लिए भी हो सकती है, आपके लिए चाहिए, लेकिन उसमें वो गंभीरता नहीं रहती है, हाल में आई ना। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आपके पोते के लिए एक सुंदर लड़की चाहिए, और आप मंदिर में दर्शन करने गए और एक सुंदर लड़की आपको वहाँ दिखाई दी, आपको लगा कि ये लड़की मेरे पोते के लायक है। आप लोग मुझे पूछते हैं किसकी लड़की है, क्या है, क्या करती है, कहाँ पढ़ी, क्या है, उससे जानकारी उसकी लेते हैं। लोग मुझे क्यों, आपको क्या मतलब? नहीं कोई बात नहीं है, बस मैं जैसे जानकारी लेना चाहता हूँ, आपको पता हो तो आप बता दीजिए। कि नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है ना, कि नहीं नहीं अच्छी बात तो नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है। मेरा एक पोता है, मैं चाहता हूँ उसके लिए अच्छी एक लड़की मुझे ठीक लगती है, इसलिए मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। सुनना, अगर इस वक्त ये बात होती कि मैं अपने लिए लड़की पसंद करता हूँ तो झगड़ा खड़ा हो जाता है ना, इसलिए मैंने दादाजी रखे हम। तो लोगों ने कहा भैया इसकी तो परसों ही सगाई हुई है, समझ में आया ना, अब मेरी परिणति क्या होनी चाहिए, खबर खत्म, मेरा कोई प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए। क्योंकि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि इसकी सगाई हो गई कि नहीं हो गई, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ किसकी लड़की है, क्या है, तुम ये बताओ, ये प्रश्न तुम्हारे हृदय में खड़ा होगा? और हो तो तुम सज्जन पुरुष हो, क्योंकि जिस प्रयोजन से तुम उसे जानना चाहते थे वो प्रयोजन यही समाप्त हो गया। फिर भी कोई आदमी उसे कहता है तुम तो बताओ कि सगाई हो गई है कि सगाई टूटते कौन सी देर लगती है, तुम समझते नहीं हो मैं कौन हूं, अरबपति आदमी हूं, और मेरा बेटा कितना होशियार है, कितना सुंदर है, कितना पढ़ा लिखा है, एक दफे मेरा ऑफर सुनेगा तो वो सगाई मंगाई सब काफूर हो जाएगी। ये आदमी सोचने वाला बेईमान है कि ईमानदार? और कोई कहे कि इसकी तो शादी हो गई परसों और फिर भी नालायक पूछे, क्यों, तो वो कैसा होगा?
ऐसे ही जब हमने कह दिया कि ये पुण्य पाप ना तुम हो ना तुम्हारे हैं, ना तुम इनके कर्ता हो और ना तुम इनके भोक्ता हो, नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्यात्म तत्त्वयो, परद्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है। अब तुम उसमें अच्छे बुरे का भेद क्यों कर रहे हैं? ये अच्छे बुरे का भेद करना ही पुण्य पाप संबंधी भूल है। ये बात पुण्य पाप अधिकार की 20 गाथाओं में बताई गई है। क्या विषय है पुण्य पाप अधिकार का अंदाजा लगाया? पुण्य बुरा है, पाप अच्छा है, तो बस ये बताया है, ये नहीं बताया है। वो कहते तेरा संबंध ही नहीं है कुछ उससे, तेरे को कुछ लेना ही देना नहीं है, फिर उसमें तेरे को अच्छा बुरे का भेद करने का मतलब क्या है? मुझे सागर में कोई मकान जमीन खरीदनी नहीं है तो हर जगह पूछता फिरूं कि ये जमीन किसकी है, कहाँ की है, ये बिक गई क्या, क्यों ये क्यों पूछता फिरूं? कुछ ना कुछ भाव होना चाहिए। या तो मेरे को बढ़िया करके यहाँ बंगला बनाना हो या बहुत बढ़िया धर्मशाला बनाना हो तो मैं पूछ सकता हूँ। बंगला बनाना पाप भाव है, धर्मशाला बनाना पुण्य भाव है, लेकिन मुझको कोई करना ही नहीं है क्यों? तो ये प्रश्न कहाँ से खड़ा होता है कि पुण्य भला और पाप बुरा? ये जो जिनके तेरे से कोई संबंध नहीं है उनमें अच्छे बुरे का भेद करना ये समझदारी नहीं है। एक बात और मर्म की है कि ये नहीं कहा कि तुम्हें इसे जानना ही नहीं है, क्यों निर्मल जी ये तो नहीं कहा, क्योंकि जानना तो भगवान आत्मा का स्वभाव है, सब जानने में आएगा कि तुम्हें इस लड़की को देखना ही नहीं है, तुम मंदिर में दर्शन करने आए, भगवान को देखो क्यों? अब दो आंखें हैं तो भगवान का भी दिखेंगे और जो वहां दर्शन कर रहे होंगे वे भी दिखेंगे, हम ऐसे क्या करें, और नहीं देखेंगे तो टकरा नहीं जाएंगे, बचने के लिए देखना तो है क्या नहीं है, क्यों? देखने का निषेध नहीं है लेकिन आगे विकल्प लंबाने की बात है, देखते रहने का निषेध है, क्योंकि बिना राग भाव के देखते नहीं रहोगे नहीं है। अब मुझे इसके अच्छे बुरे के बारे में कुछ नहीं सोचना है ना, पुण्य भी बुरा है, पुण्य को जितनी गालियां दो ये पुण्य पाप अधिकार का काम नहीं है, ये ज्ञानी धर्मात्माओं का काम नहीं है। अरे गालियां तो पाप को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाली देने से अपना मुंह तो खराब होता ही है ना, तुम्हारे मुंह से हम गालियां सुनेंगे तो जिसके को तुम गालियां दे रहे हो उसके बारे में जब सोचेंगे तब सोचेंगे, तुम्हारे बारे में उसी बार समझ लेंगे कि तुम क्या चीज हो, क्यों? कि बिना गाली के बात ही नहीं करता, ये कैसा आदमी है? तो इसलिए कहते हैं कि ये भैया पुण्य पाप है क्या, कि ये तुम्हारे तुम नहीं हो, तुम्हारे शत्रु ग्रुप के हैं, बहुत जानना है बोलो, ये आश्रव है, पुण्याश्रव पापाश्रव, ये किसके भेद हैं? ये आश्रव के भेद हैं। और आश्रव क्या है? आश्रव दुख कार घनेरे मोदी बनते तने नेरे बेरे, के भी घना दुख देने वाले हैं तेरे को आश्रव, तो क्या करूं, फिर मैं मार दूं ना उनको? क्या धंधा सोचता तेरे को, मारने मारने की सोचती है? हम तो कह रहे उसके बारे में तू सोच भी मत, जानने में आ गए हैं तो जान ले, ज्ञान को भी मत लंबाए, माने जानता मत रहे, हाँ। क्योंकि तेरे पास जानने के लिए बहुत बहुत चीजें हैं और बतेरा भगवान आत्मा कितना महान है कि जिसके जानने से तेरा कल्याण हो सकता है तो उसने गंदगी को काहे को देखता है? सुंदर बाग बगीचे हैं, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, उधर तो देखता नहीं है,
पर वहां गंदगी गंदगी पड़ी है, गंदगी लेटर बाथरूम, कोई नंगा आदमी खड़ा है उधर को देखता, कोई अर्धनग्न महिला खड़ी है तो उधर को देखता। अरे तेरे को देखने को इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ना जगत में, इस गंदे पदार्थ को क्यों देखना चाहता है? ये आश्रम तो गंदे पदार्थ है ना, क्यों? इस तरह उन्होंने आश्रम अधिकार तक भेद विज्ञान कराया, किन किन से? वर्णादि और रागादि से। फिर संबर अधिकार में उनने भेद विज्ञान का अभिनंदन समारोह रखा। आपके पास शास्त्र हो किसी के हाथ में तो निकालो, भेद विज्ञान अधिकार का पहली ऊपर के सबसे पहली पंक्ति संस्कृत की पढ़ो, भेद विज्ञान संबर अधिकार की, है ना, 181 गाथा होगी। लगा भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, ऐसा लगा क्लियर शब्दों में। मिली कि नहीं मिली? इसमें बोल रहा हूँ 181 में गाथा। खैर देखो मैं बोल देता हूँ, उसने देखा भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं और फिर आप उसे पढ़ो उसके प्रत्यानुवाद को। हाँ, संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण जो भेद विज्ञान, अब उसका अभिनंदन करते हैं। ये शांतिलाल जी हमारे वहाँ पढ़ाते हैं ना आत्मख्याति सबको, तो उन्हें आत्मख्याति की पंक्ति से याद है, है ना, अभिनंदन। और फिर पूरा छंद पढ़ो, यदि पद्यानुवाद पढ़ लोगे यदि इसका तुम, तो उसमें क्लियर आया है भेद विज्ञान के अभिनंदन के अलावा और कुछ चर्चा नहीं की। तो संबर अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। फिर उसके बाद कहते हैं निर्जराधिकार। अब निर्जराधिकार में ये बताना चाहिए थे कि निर्जरा कैसे होती है, कहाँ से होती है, क्या होता है, निर्जरा के 53 जो भेद हैं जो संबर के कारण थे वहाँ निर्जरा के कारण को बताया है, कोई चर्चा नहीं। पर सिर्फ ज्ञानी जीव भोगों के बीच में भी रहे तो उसे बंद नहीं होती है, निर्जरा होती है, ये बात समझाने में पूरा निर्जरा अधिकार लगा दिया क्या? अरे निर्जरा तो समझाते भले आदमी तो सप्ताहसूत पढ़ के नहीं आए हो, वहाँ पढ़ लेना, नियम सार में तो लिखा है कर्म अजीब अधिकार आया तो भैया ये मैं ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, तो वैसे दूसरे ग्रंथों से पढ़ लेना। क्या लिखा मल्लधारी देव ने? आत्मा की रुचि में बाधक जान कर मैं उनकी यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करता हूँ, उन्हें तुम कर्म ग्रंथों से पढ़ लेना। नहीं पढ़ने की बात तो नहीं, लेकिन तरकीब से तो लिख ही दिया कि जो मेरा अध्यात्म का रस है और उसमें मुझे बाधक लगता है। फिर तेरे को जुर्माने बाधक लगती है गोमर सार, जब लगता है मैं क्या करूं? देखो अब निजराधिकार में ये बताने के बाद में बंध अधिकार आरंभ होता है। अभी अपन कहाँ आ गए हैं, कहाँ खड़े हैं, ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ। इतने में आप 5-7 मिनट जो लगे हैं वो बताने की मैं कोशिश करूँ कि समय सार कहाँ से शुरू होता है और अपन कहाँ आ गए। अब बंधाधिकार में सीधी सच्ची बात है, बंध किसे कहते हैं? बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृतियाँ 8 होती हैं, फिर 148 होती हैं, हैं क्यों? फिर वो कब कब बनती हैं, कब नहीं बनती हैं, कब छुट्टी हो जाती है, कब सत्य है, कब असत्य है, कौन से गुणस्थान में क्या होता है, सारा बताओ। प्रकृति बंध में, प्रदेश बंध में कितना संख्यात परमाणु हैं, वो कैसे आत्मा के साथ बनते हैं वो बताओ। स्थिति अनुभाग बंध बताओ, कौन से कर्म की स्थिति कितना काल तक है, कुछ चर्चा नहीं आता नहीं होगा बंध बंध को। बंध अधिकार तत्वासूत्र का पढ़ो तो कर्म की 148 प्रकृतियाँ गिनाई हैं,
क्यों? पवन की टीकाएं पढ़ो, पवन में कौन सी बंधुदय शब्द वगैरह सारा बताया है, और वहां उसकी बातें नहीं करते। ये बंद अधिकार में उसकी बातें ही नहीं करते हैं, और बात करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? कर्मों से आत्मा बंधा नहीं है। मन वचन काय की चंचलता से आत्मा बंधता नहीं है। तुम्हें मन को काबू में करो, वचन को काबू में करो, क्यों कहते कि नहीं? भाई हिंसा मत करो, अहिंसा पालोगे, चेतन है, चेतन की अहिंसा से आत्मा बनता नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पांच इंद्रियों के भोगों में से को छोड़ो, कि पांच इंद्रियों के भोगों से आप बंद होता ही नहीं। क्या कह रहे सारे जगत को है? क्या लगेगा कि कौन पागल बोल रहा है? कर मन बरगणा सो जग में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे काए योग सो, पर चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो। क्या कर्म सो अबंध सिद्धे, योग सो अबंधे जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। यदि कर्म से बनता होता तो सिद्ध सला में भी अनंत कारमान बैगणाएं ठसाठस भरी पड़ी हैं, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में, जिन आकाश के प्रदेशों में सिद्ध भगवान के असंख्यात प्रदेश सहित हो रहते हैं विराजमान, वहां चैन जाती उनको। यदि कर्म बांधते हैं तो बांध लेते उन्हें, और मन वचन काय की चंचलता से बंधते हैं तो आप जानते हैं मन वचन काय चंचल किसके होते हैं? ज्यादा है? लड़का बहुत चंचल है, शांति से बैठना ही नहीं जानता है, है? जिसको पार्किंसन हो जाए, हाथ पैर नहीं हिले, तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाए। अरहंत भगवान को सबसे ज्यादा योग का कंपन होता है, वो निबंध नहीं होता। और मुनिराज इरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं, भाषा समिति पूर्वक बोल रहे हैं, और कदाचित जीवों की हिंसा हो जाए, कदाचित नहीं, गारंटी से होती ही है। क्यों भैया? कैसे? क्यों क्यों होती है? अब दुर्भाग्य की बात कहो चाहे सौभाग्य की बात, कि हमारी आंखें जो है ना, वे घुटनों में नहीं है। घुटनों में होती तो अच्छा रहता ना। क्यों? क्या कह रहे हैं आप? ये आंखें जो चेहरे पर हैं, ये घुटनों में लगी होती आंखें तो अच्छा रहता। क्यों? कि मुनिराज चार हाथ जमीन देख के चलते हैं। चार हाथ क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई का जो एंगल बनता है वो चार हाथ बनता है, ऐसा ऐसा बनते देता है, तो ये चार हाथ ही क्या देख सकते हैं। अब बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं कि जो चार हाथ से दिखाई ही नहीं दे, नहीं होते। आपको मालूम है आपका कितना दिखाई देता है आपको? एक प्रश्न पूछ लू, कल शाम को मैंने समझा दिया था, प्रश्न सामूहिक होता है और उत्तर व्यक्तिगत। जब मैं किसी का नाम पूछूं तब बोलना, मैं प्रश्न करूंगा तो सब चिल्लाने मत लगना, नहीं तो फिर यहां मुझे प्रशिक्षण की कक्षा लेना शुरू करना पड़ेगा। क्या कितनी दूर तक का आप देख सकते हैं इसका अंदाजा आपको है कि नहीं? क्यों? एक किलोमीटर तक क्या देख सकते हैं? ये तो भाई साहब से मना किया तो सिर तो हिला सकते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देख सकते एक किलोमीटर का। आपको सूरज चांद दिखाई देते हैं कि नहीं? नहीं दिखाई देते, देते हैं तो एक एक किलोमीटर होंगे। अरे हमें कितनी दूर तक का दिखाई देता है इसकी भी खबर नहीं, दिखाई दे रहा है फिर भी हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारे सोचने में नहीं आई, क्या करें बोलो। और कितने पास का देख सकते हैं? देखो मैं कहता हूँ चार हाथ का देख सकते हैं ना, तो पढ़ो निर्मल जी, तुम तो चश्मा लगाए हो, पढ़ो, नहीं पढ़ सकते ऐसा इतनी दूर से, नहीं तो इसलिए चार हाथ का भी दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि अक्षर बहुत छोटे हैं, तो छोटे अक्षर दिखाई नहीं दे रहे
तो इतने जीव तो हो सकते हैं कि नहीं, तो बेजीव कैसे दिखाई देंगे मुनियादों को, मैं बताऊं आपसे, तो सभी सूक्ष्म जीव हैं क्या नहीं हैं? अरे वो उतनी दूर से जो जीव दिखाई देंगे वे ही तो देखें, लेकिन अब क्या करें, असत्य अनुष्ठान है, घुटनों में आंखें तो है नहीं, फिर एक हाथ का हमें ये दिख रहे जितने अक्षर दिख रहे ये दिख जाए, ऐसा दिखता ना ऐसा कर दे, तो चेतन अचेतन की हिंसा भी उनके जीवन में हो रही ना, यदि उन्हें बंद नहीं होता शास्त्र कहते हैं। और ज्ञाता विषय भोग में भरत चक्रवर्ती आदि समय दृष्टि जीव को 41 कर्म प्रकृतियों का अनंतानुबंधी का मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, 96,000 शादियां करने पर, 6 खंड की विभूति का मालिक होने पर भी। तो एक दफे फिर अब दोहराए उस चंद्र को, कारमाण बरगणा सो जग में ना बंधे जीव, और बंधे ना कदापि मने बच्चे का योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव, बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो। ये चार बातें हो गई ना, अब इन चार के चार उदाहरण एक पंक्ति में, कितना सुंदर गठन है काव्य का, बनारसी दास का है। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, और ज्ञाता विषय भोग सो। चार उदाहरण आ गए ना, चारों मैंने समझा दिए ना आपको। इत्यादि के वस्तु के मेलाप सोना बंधे जीव, इतनी चीजों के और लो लगा लो, उनसे जीव बंधता नहीं है, तो बंधे कैसे, के बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, रागादि रूप जो अशुद्ध उपयोग है एकमात्र उससे बनता है। ये रागादि अशुद्ध उपयोग में क्या क्या आता है, मिथ्यात्व, अवैरति, प्रमाद और कसा, इनसे बनता है। ये बात इस बंध अधिकार में समझाई, मैंने आपको सेंट्रल आइडिया दिया है। अभी अपन एक गाथा आएगी, उसे चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी अपन इस बंधाधिकार का आरंभ करते हैं। क्या लिखा है, अथ प्रवसति बंधा, अब बंध प्रवेश करता है। क्या कहाँ कौन कहाँ प्रवेश कर रहा है, ये जो समय सार ग्रंथ है ना, उसको अमृत चंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका में नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। ये समय सार नाटक है, अपन तो समझते हैं कि बनारसी दास का लिखा हुआ नाटक है, समय सार नाटक बनारसी दास का है और समय सार कुंड कुंड का है। अमृत चंद के जमाने में तो बनारसी दास थे ही नहीं। सबसे पहले ये समय सार नाटक है इस बात को किसने प्रस्तुत किया, अमरचंद ने। उनने पकड़ा, कैसे पकड़ा, उसको समय सार के रूप में प्रस्तुत क्यों किया राजेंद्र जी? देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने रिसर्च की है अमरचंद के हृदय में बैठकर। अभी मैं गया था दिल्ली सेमिनार में, तो संस्कृत बड़ी अच्छी भाषा है कि प्राकृत, प्राकृत जैनियों की है या संस्कृत ब्राह्मणों की है, खूब चलता था। हमसे भी पूछते थे लोग, आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? मैंने कहा गजब करते हो, जिसमें समय साल लिखा गया उस प्राकृत भाषा को, हमारे लिए उससे महान और क्या हो सकता है। कुंद कुंद के हम इतने भगत हैं, तो उनकी वाणी हमारे लिए इतनी कितनी बढ़िया हो सकती है। और अमृतचंद ने जिस भाषा में उसकी टीका लिखी, वो वाणी हमारे लिए बुरी कैसे हो सकती है, हम कैसे दे सकते हैं उसे ब्राह्मणों को, हम तो प्राकृत भी हमारी और संस्कृत भी हमारी, क्यों अमृतचंद की भाषा हम तुम्हें दे दे, नहीं नहीं नहीं, हम तो दोनों के महाभगत हैं, कि हिंदी हो कि गुजराती कुंदी भगत हो। अरे जिस गुजराती में पूज गुरुदेव श्री ने हमें उस समय सार का मर्म समझाया,
उस गुजराती को हम बुरी कैसे कह सकते हैं, बोलो क्यों? और हिंदी क्यों? जिसमें हमने पढ़ा है, जिसे हमने अपने लेखन की भाषा बनाई है, जो सारे हिंदुस्तान के 70% लोग जिसे समझते हैं, हमने कितना होंगे हिंदी भाषी, भले ही थोड़े कम 50 करोड़ होंगे, क्यों? पूरा मध्य प्रदेश, पूरी यूपी, पूरा बिहार, समझे ना आपकी में, बहुत बड़ा एरिया है जो प्योर हिंदी भाषी है, हरियाणा और आसपास के पंजाबी, हरियाणवी, फिर गुजराती, फिर मराठी, ये बंगाली, ये सब लोग हिंदी समझते हैं, है नहीं ना? तो 70% लोग हिंदुस्तान के, 70% नहीं, विश्व के हिसाब से निकालें तो सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली यदि कोई भाषा है तो उसका नाम है हिंदी। कोई विश्व, अंग्रेजी भी नहीं, सारे विश्व में फैली है। कितने देश कैसे हैं? 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, इतने करोड़ के, इतने करोड़ के, उनमें क्या दम है? उन सब की गिनती कर लो ना तो अकेला यूपी में खत्म। टक्कर कोई ले सकती है तो थोड़ी वो चाइनी भाषा ले सकती है, चाइना ले सकता है, समझ गए ना आप, हैं? लेकिन अगर कोई नहीं ले सकता, उसे हम कैसे बुरी कह सकते? ये तुमने अच्छी और बुरी ये झंझट कहाँ से निकाला? ये भाषाओं में सेमिनार इसके लिए किया है, अरे जिसकी जो विशेषताएं हैं वो बताओ ना, जो उसका जो बढ़ियापन है जो बताओ ना, ये एक एक क्यों बताते हो? तो ये जो यहाँ पर नाटक समय सारा कहाँ से बना, ये नाटक समय सारा कहाँ से आ गया? तत्वार सूत्र में पांच तत्वों का क्रम है, क्या है? जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्षा, है ना? एक क्रम है जो अपन सबको याद है। अब समय सार में एक क्रम नहीं, समय सार में क्या क्रम है? भूयत्तेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंचे आसर संबर निर्जर बंधो मोक्षो ये संपत्तुम, ये क्रम बदल दिया। तो कुछ लोग छंद के अनुरोध से, छंद अनुरोध समझते हैं, जब गद्य में लिखना हो तो सीधा लिख सकते हैं, अब पद्य में लिखना हो तो जो शब्द जहां सेट होता है वहां ठोक देते हैं, बंद को पहले लिख दें, मोक्ष को बाद में लिख दिया। अब सुनिए क्या, वहां तो बंद फिर संबर आता ना, संबर पहले आ गया, निद्रा पहले आ गया, फिर बंद आया, ऐसा क्या? तो उनके दिमाग में भी नाटक लिखने का था, किनके? कुंद कुंद के दिमाग में। तो उनने नाटक में स्टेज पे जोड़े से आते हैं, अकेला कोई एक आदमी बहुत कम आता है, दो आदमी आते हैं उनमें संवाद होता है, तो उनने जोड़े बनाए। कैसे जोड़े बनाए? आश्रम और बंद का नहीं बनाया, अनुकूल है दोनों, प्रतिकूल वाले जोड़े, एक नायक एक खलनायक, एक हीरो एक साइड हीरो, एक साइड हीरो नहीं, क्या विलेन, समझे ना? तो संबर के साथ, संबर को तो कोई जोड़े ही नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया देखो आप, जीव के साथ अजीव का जोड़ा, फिर कर्ता के साथ कर्म का जोड़ा, फिर पुण्य के साथ पाप का जोड़ा, फिर आश्रम के साथ संबर का जोड़ा, अब फिर निर्जरा को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई है नहीं, 9 तत्व हैं, एक एक तो बिना जोड़े के रहेगा, एक को तो ब्रह्मचारी रहना ही पड़ेगा ना, और बंद के बाद मोक्ष का जोड़ा, तो जोड़े से उन्होंने तत्व रखे। तो स्टेज का मतलब है नाटकीकरण उन्होंने किया, और इस बात को अमृतचंद्र ने पकड़ा, हरेक का काम नहीं है, अरे अमृतचंद्र जैसा आदमी ही पकड़ सकता है और कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन अमृतचंद्र ने पकड़ा, ये हमारी समझ में आ जाए तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, और उनने कैसे पकड़ा ये आ जाए तो उससे भी बड़े भाग्यशाली है। क्यों? ये जो 13वीं गाथा है समय सार की,
वो सिर्फ सम्यक्त की परिभाषा नहीं है, उसमें आगे के अध्यायों का क्रम भी है। तत्वासूत्र का चौथा सूत्र जीवादि वासना बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम, सिर्फ सात तत्वों के नाम नहीं गिनाए हैं, आगे सूत्र जी में किस क्रम से हम वर्णन करेंगे एक क्रम भी उनने बताया है। तो आगे के अधिकारों के उनने नाम भी गिनाए हैं। तो अब ये बंधाधिकार आया है, इसके बाद सीधा मोक्षाधिकार आएगा। बंधो मोक्ष का जोड़ा है ना। देखो बंधाधिकार की तो बात अपन करेंगे ही, लेकिन मोक्ष अधिकार में मालूम क्या लिखा है? मोक्ष की बात ही नहीं करती। अन्ना जी बता दूं, ये लिखा है कि बंध की चर्चा करके अपने को मोक्ष मार्गी मानने वाले। क्या लिखा? ये कौन है? विपाक विचय धर्म ध्यान। कर्म की चर्चा कर क्या है? विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या लिखा है अमृतचंद रमेश? के धर्म विपाक विचय धर्म ध्यान के लोभ से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी, अंधे हो गए वे इसके लोभ में। क्या क्लियर लिखा? विपाक विचय धर्म ध्यान के उसमें अंधी हुई है बुद्धि जिनकी, उनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए मैं मोक्षाधिकार लिखता हूं। कहते बंध के अध्ययन से मनन से चिंतन से बंध नहीं कटता। क्या लिखे? बंध के मोक्ष अधिकार में लिखते मोक्ष नहीं मिलता। भैया बंध अधिकार पूरा हो गया, अब छुट्टी करो ना, क्यों यहां बंध की चर्चा लाते हो? देखो तो आप समय सार के देखो तो क्या स्टाइल है, क्या चीज है, कौन चीज कौन क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, सारी जिंदगी इसमें लगाने का बहुत कम, बहुत कम है, है? वहां सेमिनार में एक आदमी भोपाल के प्रोफेसर थे, कोई थे रतन चंद जी नहीं है, घबराना नहीं, दूसरे थे नरेंद्र कुमार ऐसा नाम है। तो उन्हें एक लेख लिख के लाए थे, वो लेख उन्होंने कहा मेरी 15 साल की तपश्चर्या का फल है दादा। और उसको उन्होंने एक किताब लिखी है 300 पेज की, वो किताब भी लाए थे। और उन्होंने एक कही बात, मेरी अध्यक्षता में वो किताब वो निबंध पढ़ रहे थे, क्या कि भाई मैं किताब भेंट करता हूँ, मैंने आपको वहाँ भेजी है जयपुर, आपने पढ़ी होगी, आप पढ़ना इसे। और विषय क्या था? विषय ये था कि आधुनिक विज्ञान में जो भूगोल का स्वरूप है, वो जैन धर्म का जो भूगोल है, उन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया था। और वो उनका दावा था कि उन्होंने सब सिद्ध किया है सही। क्या सही सिद्ध किया है? कि जो हमारे सूरज यहाँ से 800 योजन दूर है, और सूरज का जो नाप दूरी बताई जाती है वो इतनी बताई जाती है विज्ञान में, तो उसके हिसाब से वो सही है, क्योंकि वो एक योजन उसका उनका जो 8 योजन है ना, कितना 8 योजन नहीं 80 योजन, तो उसमें 80 का भाग करो इतना बड़ा योजन होता है, ऐसा करके निकाल निकाल के। फिर चंद्रमा, चंद्रमा कितना 80 और जोड़ दो 880 और उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा आप चंद्रमा का क्या करें, अब उसकी दूरी यहाँ बहुत कम बताई है विज्ञान ने। तो ये चंद्रमा अलग है, ये चंद्रमा अलग है, जो उन्होंने अपनी बातें रखी। और इसमें कहा कि मैंने इसको बहुत एक किया है और आप सब लोग इसे पढ़ें, मेरे से आप जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ेंगे। तो बहुत पीछे ही पड़ गए सब लोग, याद करने लग गए। तो मैंने अपना अध्यक्षीय भाषण में कहा मैं इसे गारंटी से नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे को ये पक्का विश्वास है कि आधुनिक विज्ञान का भूगोल हमारे जैन दर्शन का भूगोल बिल्कुल मिलता नहीं है। अब जिन लोगों को इसमें रस है मिलाने में, वे लोगों से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि वे अवश्य पढ़ें। यहाँ पर जो विद्वान बैठे हैं
नई उम्र के हैं, मैं 77 वर्ष का हो गया हूँ और मैं पिछले 15-20 वर्ष से कुंद कुंद के अलावा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। उन पर ही मैंने 5000 पेज लिखे हैं, वही पढ़ता रहता हूँ मैं। अब मैं छोड़कर तुम्हारी झंझट में पढ़ने वाला नहीं हूँ। अब इसमें मैं क्या कमेंट्स करूँ अध्ययन भाषण में। मैं तो जो मैंने 15 साल में जो 20 साल में पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। प्राकृत भाषा स्वर से नहीं, प्राकृत में कुंद कुंद ने क्या लिखा है वो माल आपको समझना हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको तो पढ़ के सुना बोले कि नहीं नहीं पढ़ना नहीं, हमें आपका तो सुनना है, पढ़ना नहीं है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं सुनने को, आपका तो सुनने में ही मजा आता है। आप जो कोई समय का प्रतिबंध नहीं है तो मैंने त्रिकाली भगवान आत्मा सुनाया सबको भैया ये चीज है, तो इस चीज को तुम अपने जीवन में लाओ तो ही वास्तव में आत्मज्ञान दर्शन है, उसके सार है, नहीं बाकी इन बातों में कुछ दम नहीं है। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा आगे, है ना। विद्यानंद जी महाराज के पास भी खबर पहुंच गई थी, तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बहुत बहुत अरे आपके भाषण की बहुत प्रशंसा की, लोग तो आपके भाषणों तक नहीं गए, ऐसा हुआ जैसा हुआ महाराज। तो मैं तो अपनी बात कही, अरे कहाँ ही झंझर में फंसू मैं। तो भाई ये बहुत माल है जिंदगी, इसमें क्या कहा वो क्या कह रहे हैं बंदाधिकार में, देखो अपना मंगलाचरण पढ़ते हैं, राग उद्गार पढ़ो भैया, महारसेन सकलम चारी देव ने हर अधिकार में जो मंगलाचरण किया वो सब ज्ञान को ही नमस्कार किया है। तो मैंने बहुत लिखा है वो, तो कहीं तो ऐसा लगता केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया, कहीं ऐसा लगता भेद ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया, तो कहीं ऐसा लगता त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नमस्कार किया। वो तो जो उसके विशेषण है ना, उन विशेषणों से ये तीन प्रकार के ज्ञान की बात हो सकती है, और मैंने इसमें आगे पीछे विस्तार से लिखी है ये बात। अभी ये क्या है कि उन्होंने एक बात एक ज्ञान को ही नमस्कार किया, दूसरी बात ये है कि छंद हरेक में शार्दूल विक्रीड़ित ही रखा। छंद में भी चुनाव में राजन बस बोल मंगलाचरण में बोल एक, क्यों कि नाटक के स्टेज पर पुराने जमाने में जो नाटक होते थे 1000 वर्ष पुराने, वो तो आज के नाटक छोड़ दो आप, आजकल तो सब मामला पलट गया है। हमने नाट्य शास्त्र पढ़ा है भरत मुनि का 2000 वर्ष पुराना, और उसमें जो नियम बताए हैं नाटक के, वो नाटक में पहले एक वो आता था सूत्रधार, उसमें नांदी विधान होता था, वो तो सूत्रधार आकर के बताता था क्या होने वाला है, उसकी पत्नियों भी दोनों आते थे, फिर आज तुम क्या दिखाने वाले हो, आज हम समय सार नाटक दिखाने वाले हैं तो उसमें क्या होगा, तो वो सब थोड़ा परिचय देते थे। वो सारी पद्धतियाँ उसमें थी, और उसमें नायकों का नक्की था तो नायक कैसे होते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ज्ञान को नायक बनाया और मिथ्यात्व को खलने। अब इन अलग अलग हैं, तो बंद अधिकार में बंध को खलना एक, ज्ञान को नायक, हर अधिकार में नायक तो ज्ञान ही है, और सामने वाला प्रतिद्वंदी कभी रामायण आ जाता है, कभी कंस आ जाता है, कभी जरासंध आ जाता है, आप समझे ना। तो वो यहाँ कहते हैं, और वो आदमी
नृत्य बहुत ज्यादा होते थे पहले के नाटक में, और जितने भी संवाद होते थे वो सब पद्य में ही होते थे। आपने पुराने नाटक यदि देखे हों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ, कौन सा नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ हरिश्चंद्र नाटक है, उसमें आप देखो बिल्कुल आदमी हर आदमी आकर के सीता और राम बात करते हैं स्टेज पर, तो वे दोहा बोल दोहों में ही करते हैं, छंदों में ही बात करते हैं, सीधे गद्य में बातें ही नहीं करते हैं, है? तो नाचते हुए आते हैं, तो नाचते हुए कोई आए तो उसके लिए शार्दूल विकीर्ण चाहिए, छंद चाहिए। तो कैसा शार्दूल, शार्दूल माने जानते हैं अष्टापद, जो शेर होता है ऐसा कोई आठ पैर का शेर होता है कोई कहते हैं, बहुत उग्र प्रतापी अष्टापद जिसे बोलते हैं, और बहुत उग्र प्रतापी होता है, मालूम आप जानते हैं उसका जन्म जो होता है गर्भ गर्भ जन्म, तो वो अपने तुम्हारे तुम्हारे जैसा और शेरों जैसा नहीं होता, बकरियों जैसा नहीं होता, अपन लोग तो एक जाले में लिपटे आते हैं, अंदर पेट में जाले में लिपटे रहते हैं, अपन को तो जो सुरक्षा होती है वो होती है माँ की सुरक्षा होती है उससे, नहीं तो तुम हाथ पैर वहाँ चलाओ बेटा बेचारी माँ को मुश्किल हो जाए लेना देना, उसका पेट फट जाए, जाले में लिपटे रहते हो और बाहर आते हो तब जाला कटता है, डॉक्टर लोग काटते हैं तब तुम निकलते हो, लेकिन उसके माँ के पेट में वो जाले में नहीं होता पोत, है ना, अंडज अंडे में होता है गर्भ जन, लेकिन वो पोत वो उसे जरायुज नहीं होता, तो वो इतना उग्र पुरुषार्थी होता है कि जब माँ के पेट से जन्म होता है तो सीधा उछल के कूद के भागता है, 10-20 किलोमीटर तो किलोमीटर तो नहीं 10-20 मीटर भाग जाता है, पैदा होते ही दौड़ जाता है, और माँ की योनि छत विच्छत हो जाती है और द्वारा बच्चों को पैदा करने लायक नहीं रहती है, इसलिए उसके द्वारा बच्चा पैदा नहीं होता, एक ही होता है। इतना उग्र पुरुषार्थी कोई जीव है स्टेज पे आए तो वो सीधा सीधा मरा मरा तो आ नहीं सकता, उछलता कूदता आता है, नाचता हुआ आता है, तो देखो लिखा इसमें लिखा ना बंधम धुनत, देखो छंद में ऊपर देखो बंध की धुनाई करता हुआ, क्योंकि एक शब्द में दम है क्या है? बंधम धुनत, अब हम कहेंगे रावण को मारता हुआ लक्ष्मण या राम जो भी आया तो रावण के गीत गाना चाहिए ना, कि कैसा रावण, एक मरियल आंखों से आंसू टपक रहे थे, नाक से नाक टपक रही थी, देख आई है कैसा रावण, उसको राम ने मारा, उसमें राम की क्या महिमा है। तो बंध भी कैसा कि जिसने सारे जगत को अपने कब्जे में कर रखा है, वो राग उद्गार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमात्तम जगत, जिसने अपने राग के उद्गार के महारस से सारे जगत को प्रमत्त कर दिया है, पागल कर दिया है, हिंदी में लिखा ना अपन ने रस राग के उद्गार से सब जगत को पागल किया, हुबहू प्रत्यानुवाद है, किसने, जिस बंध ने, है ना, क्रीडंतम, देखो एकदम खेलता हुआ नाचता हुआ, आगे आया नाट्य या क्रीडंतम, खेलता हुआ वैसे जो वो आया, ऐसे बंध को धुनत माने नष्ट करता हुआ, कौन, ज्ञान, ज्ञान कैसा है, खाता क्या है, शेर तो मांस मसाला खाता है, ज्ञान क्या खाता है, आनंदामृत भोजी, आनंद रूपी अमृत का भोजन करने वाला है ना, सहजावस्थाम स्फुटियत नाट्यत धीर उदार अनाकुल निरुपधि ज्ञान समुन मज्जति, उसको मथ करके पर आ जाता है स्टेज पर, उसकी चर्चा की है। अभी जो पुराने नाटक के नायक हुआ करते थे वो नायक के नाम मैंने इसमें लिख दिए हैं, सब चार प्रकार के नायक होते थे, सुना कभी, धीरोदात्त, धीर धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, एक और रहेगा धीरोधत्त, पहला धीरोदार, दूसरा धीरोधत्त, तीसरा धीर ललित और तीसरा धीर प्रशांत। तो इनमें धीर तो हरेक में है,
माने धैर्य तो हर एक में होना चाहिए, हमें वीर और धीर, नायक कैसे होते हैं, वीर और धीर, तो धीर को यहां महत्व दिया, वीर को महत्व नहीं दिया। तो वीर और धीर में क्या फर्क है, जो दूसरों की पिटाई कर सकता है उसे बोलते हैं वीर, और जो दूसरों से पिट सकता है उसे बोलते हैं धीर। क्या बात है, क्या कह रहे हो, पिटने वाला बड़ा, पीटने वाला छोटा। इस धीर का उदाहरण बताऊं मैं पद्म पुराण में से निकाल के, अभी 10 मिनट हैं, क्या उदाहरण बताता हूं, घबराना नहीं। तो जंगल में राम और लक्ष्मण गए थे, तो राम तो बेचारे सीता जी के साथ वहां पे बैठे रहते थे कुटिया में, और सारे खाने पीने की व्यवस्था करना जो भी करना है सब लक्ष्मण को जाना पड़ता था। तो कोई नगर में जाते थे, किसी राजा के नगर में जाते थे, तो वहाँ उपद्रवी तो थे ही, तो जाके कुछ ना कोई उपद्रव किए बिना रहते नहीं थे, राज दरबार में चले जाते थे, वहाँ लड़ पड़ते थे, कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ हो जाता था। तो राजा अपनी लड़की की शादी की घोषणा कर रहा होता है कि जो ऐसा करेगा वो मेरी लड़की की शादी कर दूंगा, तो वहाँ पहुँच जाते थे। ऐसे लक्ष्मण ने सैकड़ों शादियां कर ली वनवास के समय में, राम तो एक ही को लेके डोलत रहे पद्म पुराण पढ़ना, और फिर से कह गए तुम्हें यहीं रहो, तब मैं पहुंच जाऊंगा अयोध्या, तब तुम्हें ले जाऊंगा। ये कहानियां हैं। तो एक एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, छोटी सी 5 मिनट की। एक राज दरबार में गए, तो वहां उन्होंने बड़ी उद्दंडता का परिचय देना, बोला भी जवाब नहीं, कुछ बतावे नहीं ढंग से, कौन हूं कि मैं क्या हूं, परिचय तो देवे नहीं, गुप्तवास में थे ना। तो वहां से इन्होंने ललकारना शुरू किया, तो आक्रमण शुरू हुआ। तो इन्होंने ऐसा उसमें लिखा है पद्म पुराण में, उसके जवाब नहीं दिया, कोई पे वो सामने वाला तीर चलाते थे उसके तीर के जवाब नहीं दिया, तो वो तीर आए तो उसने हाथ से पकड़ लिया, तो दूसरा तीर आया तो इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा तीर आया तो इधर से पकड़ लिया, चौथा तीर आया तो इधर से पकड़ लिया, पांचवा तीर आया तो इधर दाबाओ ऐसा दाब लिया, छठवा तीर आया तो ऐसा दाब लिया, सातवा तीर आया तो पैर से दाब लिया, दूसरे पैर से दाब लिया, घुटने से दाब लिया, फिर आया तीर तो इस दांतों से ऐसा करके इधर दाब लिया, जरा देर नहीं दब पाता तो ये किया, तो सारा राज दरबार 1 मिनट में सिलेंडर हो गया कि ये कैसा आदमी, उसने आक्रमण नहीं किया लेकिन आक्रमण को सहने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये होते हैं, तुमने कभी टीवी पे देखे होंगे वो दंगल होते हैं फिर मुक्केबाजों का, ऐसा थोड़ी है कि तुम ही तुम मुक्के मारोगे, सामने वाला हाथ डर गया बेटा, वो भी तो मारेगा ना, और वो भी तो उसके 2-4 अच्छे तुम्हें पढ़ सकते हैं ना, और उनको सहने की ताकत तुम में नहीं हो तो तुम अखाड़े में उतर नहीं सकते। मुक्केबाजी को आक्रमण करने के पहले आक्रमण सहने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मुक्के खाने पड़ते हैं उसकी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ती है। तो जो आप समझ में आए ना पिटने का मतलब, कि पिटने की सामर्थ्य हो वो पीट सकता है तो हम किसी से लड़ पड़ो, तो वो थोड़ी बात ही बैठा रहेगा, हो सकता है वो तुमसे भी बलवान निकले, वो जमा दम 2-4 तुम्हें जमा दे तो 2-4 खाने की ताकत होनी चाहिए ना है? तो उन्हें एक तो धीर, अब दूसरा धीर और उदात्त सबसे बढ़िया नायक होता है, धीर तो है ही बर्दाश्त करने की ताकत, और फिर उदारता है, फिर ऐसा नहीं कि आप प्रदर्शित होगी ताकत आप हार गए तो फिर आपकी पिटाई ऐसी करे कि आपको मार के फेंक दे, जाओ कोई बात नहीं जाओ, चलो तुम्हारा राज छीन लिया, तुमको ही दिया, तुम करना संभालना बस खत्म। ये उदार समझ गया, जो शत्रुओं को माफ करना जानता है वो उदार, समझे ना, ना ये उदारता नहीं कि हमें 2000 दे दें, ऐसा नहीं करता होगा, असली उदारता तो क्या है कि जिसने हमारी जान लेने की पूरी कोशिश की उसको जिंदा छोड़ देना
कोई भी उस पर रिएक्शन नहीं देना, उसका राज भी वापस कर देना, क्यों? ये उदारता, धीरो दातना, समझे? धीर और उदार, ऐसे जो नायक है ना, राम थे ना, राम धीरो दात, कैसे तो सामने तो रावण को वापस मरेगा तो क्या वापस करते, उसके भाई को दे दिया श्रीलंका का राज, तो उन्हीं को वापस करना होगा, जो बचेगा उसी को तो देंगे, समझ गया? धीरो दात। अब दूसरा कौन? धीरो धत्त। धीर तो है लेकिन उद्दंड है, रावण जैसा, कंस जैसा, उद्दंडता है, मार दो, मतलब वो बर्दाश्त करने की ताकत तो पूरी है लेकिन उदारता नहीं है, उद्दंडता है, धीरो धत्त। फिर रावण जैसे लोग ऐसे में आते हैं। फिर धीर ललित, धीर भी बहुत है और रसिया भी है, श्री कृष्ण का नाम आता है उसमें, नाचने में गाने में मस्त, बोलिए पार ललित, ललित का मतलब समझे आप, धीर ललित। और चौथा धीर प्रशांत, सहन करने की ताकत है और शांत चित्त है, राग देश नहीं बिल्कुल भी, महावीर भगवान हैं ये धीर धीर प्रशांत नायक में आते हैं। क्या ये चार प्रकार के नायक आप समझ गए ना? धीरता तो सब में ही है और एक एक दूसरे सेकंड नंबर पर बदलते गए, ये सब नाट्य शास्त्र में लिखा है, लंबा चौड़ा में ज्यादा बता नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, लेकिन मैंने संक्षेप में बता भी दिया और संक्षेप में इस किताब में लिखा दिया। ये भरत मुनि से शुरू होता है नाट्य शास्त्र, 2000 वर्ष पुराना ये भी है कुंकुन के समय से, है? और उसमें कितने कितने परिवर्तन होते रहे हैं, आज तक क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं, कैसे कैसे हो गए हैं, वो सब बातें आती हैं। अब ये जो नायक है, कौन सा नायक? वो ज्ञान वाला नायक, वो ज्ञान वाला नायक, वो कैसा? धीरोदात, धीर भी है, उदार भी है और अनाकुल भी है, कोई आकुलता नहीं है, तो उसने ऐसा कह दिया, समझे ना? और निरुपाधि, कोई उपाधि नहीं है, ऐसा ज्ञान स्टेज पर समुन्मज्जति, अपना वैभव दिखाता है, बंध को ढूंढता हुआ ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान को यहाँ नमस्कार किया है। देखो मैं इसका हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ, नित्य ही आनंद अमृत का भोजन करने वाला, धीर उदार अनाकुल और निरुपाधि ज्ञान राग के उदय रूपी महारस के द्वारा समस्त जगत को प्रमत्त करके रस भाव से भरे हुए नृत्य करते हुए खेलते हुए बंध को धुनता है, धुनता हुआ उदय को प्राप्त होता है। ज्ञान का उदय हुआ माने बंध को धुन दिया, वो धुनता कर रहा था, ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे ज्ञान को अब आश्रव अधिकार में, आश्रव को धुनता हुआ प्रकट होगा। अब जो बनारसी दास के छंद हैं इसमें, ये बहुत मार्मिक हैं। देखो नाटक समय सार में और मेरा ये कलश प्रद्यानुवाद में अंतर क्या है, ये आप लोग समझ लो, लोगों के दिमाग में ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि थाना नाटक समय सार फिर क्या जरूरत थी इसके प्रद्यानुवाद की, लेकिन आपने देखा है नाटक समय सार को कि कौन से छंद का कौन अनुवाद है, 10-20 छंद ऐसे छूट गए जिनका कोई प्रत्यानुवाद ही नहीं है उनके यहाँ, और एक एक छंद के 10-10 छंद लिख दिए, उनने कोई प्रत्यानुवाद नहीं किया, उनने तो राजमिल जी की भाषा टीका पढ़ी थी, छंद के नहीं जानते थे, उनने छंद पढ़े भी नहीं थे ढंग से, और राजमिल की जो टीका है कलश टीका, उससे पढ़कर जो जो भाव उनके दिमाग में जम गया तो उस पर उन्होंने अपनी कविताएं लिख दी। अब बनारसी दास के जो कवित्व लिखे जो उन्होंने, वो आगरा की गलियों में वैसे गाए जाते थे लोगों के द्वारा जैसा ये सिनेमा के गीत आजकल के लड़के लड़कियां बाजार में चलते चलते गाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए थे। ये तो उनके मरने के बाद किसी उनके भगत ने उसे व्यवस्थित किया नाटक उन छंदों को, और उनने लगा लगा के इसमें इसका जैसे आ गया ना कि धोबी के सदन गए और कोई आदमी तो उसका इसका है ये इसका है, तो उसने ऐसा नेते बैठा बैठा करके अब वो छंद सेट कर दिए हैं, ऐसा है। और अपन ने एक एक पंक्ति से अनुवाद किया है, हर छंद का किया, एक एक पंक्ति से अनुवाद किया,
इसलिए दोनों की खूबसूरती अलग है। दोनों का अपने अध्ययन से आपको लाएंगे, उसे छोड़ देंगे तो भी नुकसान होगा, इसे छोड़ देंगे तो भी नुकसान होगा। देखना भाई इसमें निकालना, इसमें छंद आया होगा कोई ना कोई। इसमें फिर नंबर कौन सा है इस पर है 344। चलो निकाल। छंद का नंबर 344 है, पेज नंबर देखो पढ़ो। इसमें मोह मदे पाई जिने संसारी बिकले कीने, घट में प्रगट भयो उद्धत उदार जाको, उद्यम में महातु है तुहे समेकित सूर्य आनंद। बनारी दास ने इसे सम्यक सूर्य, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन रूपी योद्धा बना दिया। अब वहां वो तो ज्ञान योद्धा आप समझे ना। अब आप अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अब ज्ञान वो ज्ञान योद्धा सही है कि ये समकित योद्धा सही है। हालांकि सम्यक समय ज्ञान एक साथ ही पैदा होता है, तो समकित को योद्धा बनाया। तो अब यहाँ के सामने अकेला मिथ्या तो ही रहेगा, पूरा बंधु तो खड़ा नहीं रह पाएगा ना। सोई समकित सूर आनंद अंकुर, वहाँ था ना आनंदामृत भोजी, जिसमें आनंद अंकुर ताही नरख बनारसी नमो नमो कहते। उसे उस ज्ञान सम्मा दर्शन को बनारसी दास नमस्कार कहता है। किसको मारा? मोह मद पाई जिन संसारी विकल कीने, जिस बंध ने मोह रूपी मदरा पिलाकर सारे संसारी जीवों को विकल माने दुखी किया। यही थे अजान बाहु विरद, इसलिए उसे अजान बाहु कहते हैं। अजान बाहु कोई बहुत बड़ा शूरवीर राजा भी हो गया, और हर जो योद्धा होता है वो अजान बाहु होता है। बाहुबली से अजान बाहु बोलते ना, माने जिसके ये हाथ है ना एक घुटने तक जाए, जानू माने घुटना, बाहु माने हाथ। समझ गया कैसा है? समझ में आया कि नहीं आया? ये घुटने तक हाथ पहुंचे उसे अजान बाहु बोलते हैं। तो इतना लंबा हाथ होगा तो उसकी पकड़ भी उतनी ज्यादा होगी, उतने दूर तक वाले को मार सकेगा, ताकतवर ज्यादा होगा, तो उसे अजान बाहु विरत कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसो बंध भी, ये तो किसकी महिमा है? बंध की। विकराल महाजाल सम ज्ञान मंद करे चंद राहु जो गहत है, चंद्रमा को जैसे राहु ग्रहण कर लेता है ना, ऐसे ज्ञान को ये मंद कर देता है। कौन मोह? और ताको भल भंज वेखो घट में प्रकट भयो, कौन सम्मेलन की सूर्य उसका बल को तोड़ने के लिए हृदय में प्रकट हुआ। घट माने शरीर में, आत्मा में। उद्दत उदार जाको उद्यम महत्व है, जो उद्दत है उदार है और जिसका उद्यम पुरुषार्थ महत्व है। इनने उसे उद्दत धीरोदत्त नायक माना है। यार देखो उद्दत शब्द का प्रयोग किया। उद्दत उदार जाको उद्यम महत्व है, सोई समकित सूर आनंद अकूर ताही निरख बनारसी नमो नमो कहती। जब ये छंद हमने पद्यानुवाद किया तो बनारसी दास का हमारे सामने था ना, तो हम उसकी नकल भी ठोक सकते थे। क्यों? तो हमने अपना विवेक से निर्णय किया कि उन्होंने तो इस तरह से लिखे थे, अब हम उनके पीछे चल के क्या करें। उन्होंने कोई इस छंद के पद्यानुवाद के लिए नहीं लिखा था, उन्हें तो बंधे की एक महिमा पर जो आया तो उन्होंने उसकी एकदम महिमा के गीत गा दिए और उनने सेट कर दिए हैं। अब ज्ञान सूर की जगह सम्यक सूर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अपन ने आज बंध अधिकार के मंगलाचरण पर चर्चा की, अब कल से गाथाएं आरंभ करेंगे।